जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम का पार्ट होगा ईबीएस का, तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी का पता चले, आपका स्कोर कितना है, जो कि बहुत सभी लोगों का 20 में 20 स्कोर आ रहा है, जो कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी कही जा सकती है। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक के अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो यहां से जो आंसर क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा, टिड्डे। टिड्डे को खाकर ये जब जब ये मेढक खा लेता है तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन बन जाएगा, मेढक। तो आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा अगला, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो 132 का जो आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। इसको छोड़कर बाकी के सभी पॉइंट आपके सीखने के लिए आप इनमें से क्या नहीं देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, जो कि देखिए बच्चों को रटाया नहीं जाता, सीधी बात ही है, मतलब अच्छी तरह सिखाना मतलब रटाना एक तरह का। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें। अगला है, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो यहाँ से कह रहा है कि ये एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा, तो 133 का बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है कि ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 134 है, पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपरोक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन तो बिना देखे हम सभी लोग क्या कर देंगे, डी आंसर कर देंगे, आंसर हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 35, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों को अदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ से 135 का आंसर हो जाएगा डी, क्या होता है, इससे बच्चों के अनुभवों सीखने की प्रक्रिया को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 36 है, ज्ञान निर्माण निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो 136 का जो आंसर हो जाएगा सभी का, उपरोक्त सभी हो जाएगा करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था सिंपल। क्वेश्चन नंबर अगला है 137, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित, उपरोक्त सभी। तो 137 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गतिविधि आधारित, तो यानी कि ये संचारित तो होना चाहिए। अच्छा यहाँ से देखो और देख लेते हैं, कैसी होनी चाहिए पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए। तो यहां से देखो आप लोग के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर नहीं, केवल यहां से गतिविधि आधारित होना चाहिए कि दैनिक जीवन में क्या हो रहा है। आंसर यहां से जो हो जाएगा ये आंसर हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 38,
बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो यहाँ से 38 का जो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। देखो, सामाजिक भावना के विकास के लिए सर्वोत्तम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, जो कि करेक्ट। तो 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा सी। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चों की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, आक्रमण व्यवहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 है, अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए, जो कहना है कि जो अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य जो उद्देश्य है, ऑप्शन इस तरीके से हैं: पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी साझा करना। तो यहाँ से 140 का जो आंसर हो जाएगा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं सॉरी कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो सभी को अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। अगला है, वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है: क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो यहाँ से ऑप्शन है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास: चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन, वर्गीकरण। तो यहां से 141 का जो आंसर हो जाएगा, इस तरीके का क्या कहेंगे, इस तरीके का चिंतन, यानी कि क्योंकि चिंता कर रहा हर चीज पर, तो आंसर यहां से हो जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर है 142, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात। अब देखो, यहाँ से लिंगानुपात, जैसे ये तो भारत का हो गया, कई अलग अलग राज्यों का होता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश का शेयर करना है, जो यूपी से है वो यूपी से करेंगे, जो कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी है, और जो हरियाणा से हरियाणा, यूपी से छत्तीसगढ़ से, और जो सी स्टेट की कर रहा है वो लोग सभी जगह का कर सकते हैं, जितना ये कमेंट बॉक्स में आपका होमवर्क है। तो चलिए, तो जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात हम बता देते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ से 940 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर 940। अब देखो, कई कई बुकों में इसका 943 भी मिलेगा, तो देख लेना वहां एग्जाम में, देखो आपके नजदीक इतना नहीं मिलेगा, 45 इसकी जगह 45 भी मिल सकता है, बट आपके उसके सोचो कि आपको 950 उसके पास में मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहां से हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र: चींटी, केंचुआ, मधुमक्खी, तितली। तो 143 का जो आंसर हो जाएगा वो केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ को क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। तो याद रखना, केंचुआ क्यों कहते हैं, देखो केंचुआ नीचे की मिट्टी को ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है: इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथियोलॉजी, डेमोलॉजी। तो देखिए, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आया था 2011 में कि ये नीली क्रांति, मत्स्य क्रांति किसे कहते हैं, तो ये नीचे से संबंधित है। तो यहाँ से एक किससे संबंधित ऐसा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से 144 का जो आंसर हो जाएगा, जीवों के अध्ययन को इथियोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो, यहाँ से न्यूरोलॉजी की अगर मैं बताऊँ, ये तंत्रिका से संबंधित होती है, ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, इथियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है: क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा।
तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा, 145 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो समुद्री शैवाल है वो आयोडीन, क्योंकि वहां खारा पानी होता है। आंसर अगला हो जाएगा लेक, लाइकेन है, बताइए, परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक, सहजीवी। तो 146 का जो आंसर हो जाएगा, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, सहजीवी। तो याद रखना, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, ऐसे जंतु या पौधे साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। एक दूसरे को, जो लाइकेन शैवाल है वो एक दूसरे को लाभ। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 147 है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है, वाहनों में, उद्योग में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योग में। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, देखते ही आप आंसर कर सकते हैं, सीएनजी का किस में, वाहनों एवं उद्योग। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 148 है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है, व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, क्षेत्रीय भ्रमण, लोगों को जा जाके यानी कि उसके बारे में बता सकते हैं। देखो यहां से, देखो सीएनजी का हमने आपको बताया था, देखो एलपीजी का आ गया, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, ई ऑप्शन लो पेड गैस, बी ऑप्शन है लो पैसेंजर गाड़ी, सी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो 149 का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो याद रखना एलपीजी है जो आपके घरेलू ईंधन के रूप में, जैसे सिलेंडर वगैरह में, और जो सीएनजी है वो वाहनों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां से 150 है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कारणों को अवशोषित करती है, या किन किरणों को, तो यहां से गामा किरणों, या एक्स किरण है, या पराबैंगनी किरण है, या बीटा। तो यहां से 150 का आंसर क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी तक पहुंचने पर क्या करती है, पराबैंगनी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त फ्रेंड को लिंक शेयर करना है, और जो भी आपका क्वारी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।